अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर नगर परिषद ईओ का गोलगप्पे बेचने वाले प्रवासी व्यक्ति के साथ मारपीट करने और धमकाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार बाल स्कूल के बाहर सालों से गोलगप्पे बेचने वाले प्रवासी के साथ पहले ईओ के रिश्तेदार ने ईओ के नाम की दौंस जमाकर गोलगप्पे गटके और बाद में ईओ के कार्यालय में थप्पड़ मारने का मामला भी सामने आया है। सारे मामले में प्रवासी हेमराज ने शिकायत नगर परिषद अध्यक्ष के अलावा पुलिस थाना हमीरपुर में भी दी है। मामले को लेकर सीटू संगठन ने प्रवासी के साथ हुई घटना के बाद भी मामले में शामिल ईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। हमीरपुर नगर परिषद ईओ का गोलगप्पे बेचने वाले प्रवासी व्यक्ति के साथ मारपीट करने और धमकाने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार बाल स्कूल के बाहर सालों से गोलगप्पे बेचने वाले प्रवासी के साथ पहले ईओ के रिश्तेदार ने ईओ के नाम की दौंस जमाकर गोलगप्पे गटके और बाद में ईओ के कार्यालय में थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। सारे मामले में प्रवासी हेमराज ने शिकायत नगर परिषद अध्यक्ष के अलावा पुलिस थाना हमीरपुर में भी दी है। मामले को लेकर सीटू संगठन ने प्रवासी के साथ हुई घटना के बाद भी मामले में शामिल ईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हमीरपुर शहर में गोलगप्पे बेचने वाले एक प्रवासी व्यक्ति ने एक ग्राहक से गोलगप्पे खाने के बाद पैसे मांगे तो उसने अपने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस पर पैसों को लेकर बहसबाजी हो गई। इसके बाद ग्राहक नगर परिषद के अधिकारी के पास पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ग्राहक नगर परिषद के अधिकारी का रिश्तेदार है। इसके बाद अधिकारी ने गोलगप्पे बेचने वाले व्यक्ति को नगर परिषद के कार्यालय में बुलाया और वहां पर भी बदतमीजी करने के बाद थप्पड़ जड़ दिए। गोलगप्पे बेचने वाले हेमराज ने बताया कि नगर परिषद कार्यालय में अधिकारी ने मारपीट की और धमकाया है। ईओ कार्यालय में पत्नी भी साथ थी और ईओ ने पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया, साथ ही ईओ ने रेहड़ी भी हटाने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष और पुलिस थाना हमीरपुर में शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। गोलगप्पे लगाए थे, पैक करवाए थे, फिर उसके बाद 6-7 दिन के बाद आए थे। वो बोले आपने पैसे ज्यादा लिए और आप पैसे वापस करने पड़ेंगे आपको, मैं ईओ के रिश्तेदार हूँ और हो सकता है मैं ईओ को नाम ले देते तो कोई पैसा भी नहीं लेता। फिर उसके बाद वो शुक्रवार को आए थे मेरे पास, ईओ साहब ने बुलवाया था मेरे को शाम को 5 बजे। उसके बाद मैं गया था उनके पास, उनने मेरे को पूछा कुछ नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया गले बार पकड़ के और मैंने उनके पैर भी पकड़े थे। ये सर मेरी गलती हो बताओ आप। उसके बाद वो वापसी फिर आए थे रेड़ी पे, ईओ साहब चले गए ऊपर को, जो गोलगप्पे वाला बंदा गोलगप्पे ले गया था वो मेरे साथ मेरे घरवाली के साथ बदतमीजी करने लग गया। बोले तेरी रेड़ी उठवा लेंगे, ईओ साहब बोले तेरी घरवाली दिखाई नहीं देनी चाहिए रेड़ी के ऊपर, नहीं तेरी घरवाली को उठवा लेंगे मैं, अब मारेंगे अलग। अब पैसे मैंने वापस कर दिए तब भी इतने ऊपर, फिर हमने सर 75 में वापस कर दिए थे, फिर हमने थाने में कम्प्लेन लिखवाई थी इनके खिलाफ। पैसे की बात तो उनसे कुछ हुई नहीं थी, सोनू से हुई थी बात, मिठाई वाले सोनू से। उन्होंने बोले इतने पैसे ले लेना, इतने गोलगप्पे दे देना। मैंने उनको ज्यादा भी गोलगप्पे दिए, 10-15 गोलगप्पे ज्यादा। सीटू जिला संयुक्त सचिव सुरेश राठौर ने कहा कि सीटू के पास प्रवासी रेहड़ी वाले ने शिकायत की है कि ईओ हमीरपुर ने मारपीट करने के साथ रेहड़ी हटाने की भी धमकी दी है, जिस पर सीटू ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो सीटू सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। सुरेश राठौर, सीटू जिला सचिव हमीरपुर। कल एक मामला जो पुलिस के अंदर ध्यान के अंदर दिया गया है, जो हेमराज नाम का एक व्यक्ति है जो बॉय स्कूल के गेट के साथ जो है अपनी गोलगप्पों की रेडी चलाता है, उसके साथ पिछले 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति रसाल सिंह नाम का व्यक्ति जो उसे गोलगप्पे ले गया था और उस गोलगप्पों को लेकर उसके साथ जो विवाद, पैसों को लेकर विवाद करा था, तो उसके चलते जो है उसने उस व्यक्ति को जो है गाली गलौज और उसकी पत्नी को जो है वहाँ से रेडी हटाने की धमकी दी थी और कहा था कि आइंदा उसको जो है ये लोग जो है शहर के अंदर ना दिखें। तो उसको लेकर जो है वो ईओ ऑफिस में उसको बुलाया गया था, हेमराज को। जब हेमराज को ईओ ऑफिस बुलाया जाता है तो वहाँ का जो ईओ अधिकारी है वो
हेमराज के साथ जो है उसको धमकी देता है कि तुम किस तरीके से जो है ज़्यादा पैसे वसूलता हो तेरी रेडी उठवा दूंगा, और साथ साथ में जो ईओ ने उसको डराया धमकाया और साथ उसके साथ मारपीट करी है, और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, वो हमारी यूनियन का ही हमारी यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है हेमराज। आज हम उस तमाम लोगों ने जो है जो यूनियन के लोग हैं पदाधिकारी लोग और जितने भी यूनियन के साथ लोग जुड़े हैं उन्होंने आज मिल बैठकर ये तय करा कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से ईओ का रवैया लगातार रेड़ी फेड़ी लोगों के साथ रहता है और आने वाले लगभग पिछले कुछ एक समय से जो है किराए को बढ़ाने को लेकर भी इनका जो रेडी फेडी यूनियन का मामला था वो लगातार जो है डीसी साहब के पास इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया था, तो उसकी चलते जो है शायद ईओ जो है इनको परेशान कर रहा है उसी के चलते, और हम ये समझ रहे हैं कि इसको जो है जो यहाँ के ईओ हैं वो राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं इस सारी लड़ाई को लेकर, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर इस तरीके का रवैया इन अधिकारियों का रहता है तो जो खौफ जो है खासकर रेडी फेडी लोगों के अंदर है ईओ के खिलाफ, तो उसको जो है हमारी यूनियन के अंदर तय करा कि आने वाले समय के अंदर हम इस चीज़ को लेकर जो है ईओ के ऑफिस के बाहर या गांधी चौक के अंदर जो है इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो है कल जो कंप्लेंट जो पुलिस ऑफिस पुलिस के पास दी गई एसएचओ महोदय के पास दी गई है हेमराज ने जो दी है उसके ऊपर जो है पुलिस तब अभी जो कार्रवाई करे, अगर पुलिस अगर सक्षम कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर कल के अंदर जब गांधी चौक के अंदर इस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा इनकी तानाशाही को लेकर, तो हम जो है डीसी महोदय और एसपी महोदय से भी इस मामले की दरख्वास्त को लेकर मिलेंगे।